दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे बीमारी से संबंधित कुछ विशेष और अचूक उपाय के संबंध में। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा बीमार हो, जो अति गंभीर बीमारी में फंस गया हो, तो मैं आपको तीन छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। आप तीनों में से तीनों करें तो बहुत अच्छी बात है, न कर सके तो कोई एक या दो उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से निवेदन करूंगा, यदि आप तीनों उपाय एक साथ करें तो बहुत ही अच्छा होगा और इसमें किसी भी तरह की आपकी धनराशि खर्च नहीं होगी। तीनों के तीनों उपाय का अल्टीमेट रिजल्ट है, मैं अपना सेंटेंस रिपीट करता हूं, तीनों के तीनों उपाय के अल्टीमेट रिजल्ट है। मैं यह तीनों के तीनों उपाय शिव जी से संबंधित आपके सामने लेकर आया हुआ हूं। सबसे पहला उपाय जो स्वयं बीमार व्यक्ति को करना है, उसके बाद के मैं दो ऐसे उपाय बताऊंगा जो बीमार व्यक्ति ना कर सके तो उसके घर का कोई एक सदस्य, उसके परिवार का कोई एक सदस्य उनके बिहाफ में कर सकता है। चलिए सबसे पहला उपाय, जो व्यक्ति बीमार है वह क्या करें, जब भी दवाई वो लेते हैं, जब भी वह दवाई खाते हैं तो अपने उल्टे हाथ में रख लें अपना पानी का गिलास और सीधे हाथ में रख लें दवाई। और एक छोटा सा मंत्र है, वह मंत्र मैं आपके सामने रखता हूँ, 21 बार, 31 बार, 51 बार, जितने बार उनकी स्थिति के अनुसार, बहुत ज़्यादा दबाव मत डालिएगा मंत्र की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, बल्कि उनसे यह कहिएगा वो दिन में 2 बार दवाई खाएं चाहे 6 बार दवाई खाएं, हर बार इस मंत्र का पहले जाप करें कम से कम 21 बार, उससे ऊपर वो जितना ले जा सकें, और उसके बाद वह उस दवाई को खावें। मंत्र क्या है, ओम जूं सह मम पालय पालय। ठीक है, मैं एक बार फिर से मंत्र को रिपीट करता हूं, ओम जूं सह मम पालय पालय। 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना है 21 बार बोलने में। उल्टे हाथ में ग्लास का पानी और सीधे हाथ में मेडिसिन, 21 बार या 21 बार से अधिक इस मंत्र का जाप करते हुए पेशेंट को, बीमार व्यक्ति को उस दवाई को खाना है। दवाई खाते समय महादेव को याद करना है, महाकाल को याद करना है, जो घुरियों के देवता है, जो शमशान निवासी हैं, साथ ही साथ जो गृहस्थ लोगों के भी देवता हैं, जो कालों के काल महाकाल हैं, उनको स्मरण करते हुए दवाई खाना है। ठीक है, देखिए असल में क्या होता है, मृत्युंजय जब जो है, महामृत्युंजय जब जो है, उसका 1 अक्षरी मंत्र, 3 अक्षरी, 5 अक्षरी, 32 अक्षरी, 36 अक्षरी, कई तरीके से अलग अलग तरीकों से हम लोग मंत्रों को उपयोग करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। यह भी जो मैं आपके सामने रखा हूँ वो उसी का ही एक हिस्सा है जो पर्टिकुलर बीमारी से संबंधित चीज़ों के लिए काम आता है। इस मंत्र के लिए आपको किसी भी तरह का कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, कौन सी पर्टिकुलर बीमारी, कौन से ग्रह से संबंधित है, कौन से अंग से संबंधित है, कुछ भी देखने के लिए जरूरत नहीं है। या महाकाल का आशीर्वाद है, कलयुग में इससे बड़ा बीमारी से संबंधित कोई मंत्र नहीं हो सकता है। स्वयं करने के हिसाब से चीजें तो बहुत सारी है, फिर मृत संजीवनी है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, हम उस विषय वस्तु में बात करूंगा मैं अपने मूल विषय से खिसक जाऊंगा। ठीक है, तो जो भी बीमार व्यक्ति हो इस एक मंत्र का जाप करें, उन्हें 100% रिजल्ट मिलेगा, फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब हम आ जाते हैं, यदि बीमार व्यक्ति इस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो उनके घर के लोगों के लिए मैं 2 अल्टरनेट आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, लगातार 4 सोमवार, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का कहीं पर कोई आपके सामने बाउंडेशन नहीं है, लगातार 4 सोमवार 4 गीला नारियल, हर सोमवार को 4-4 गीला नारियल शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। व्यक्तिगत रूप से किसी एक समय विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आप मैनेज कर सके तो संध्याकालीन समय से अच्छा कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, जिस समय दिन ढलता हो। 1 साथ 4 गीला नारियल, जटाओं वाला गीला नारियल शिव जी के ऊपर चढ़ाना है, लगातार 4 सोमवार इस काम को कीजिएगा। हर एक का इंडिविजुअल टोटल 4 आना चाहिए, जब 4 बार चढ़ेगा तो 16 और 16 से 7 बनना चाहिए। ठीक है, जो संख्याएं बताई जा रही है उसके फिगर को कम ज़्यादा मत कीजिएगा, 4 बोल रहा हूँ पर्टिकुलर बीमारी के लिए, 4 को हम लोग यूज़ करते हैं, 3 और 5 में दूसरे चीज़ों का रिजल्ट आता है।
ठीक है, तो चार सोमवार करना है, चार गिरा नारियल यूज करना है, जटाओं वाला यूज करना है, समय का कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर भी लेकिन यदि आप फ्री हो, आप मेरे हिसाब से समय को मैनेज कर सकते हैं, तो मैं संध्याकालीन समय को सबसे पहला प्रिस्क्राइब करूंगा, जिस समय दिन और रात आपस में एक होता है। चलिए अब हम तीसरे विषय में आते हैं, तीसरे उपाय में आते हैं। तीसरा उपाय बोलने के पहले एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, यदि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियोस को कम से कम एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय आप अवश्य लिखें, यह मेरी एक गुजारिश है आपसे। ठीक है, चलिए अब मैं तीसरे विषय वस्तु पर आता हूँ। आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास जाना है, तीन चीजें चढ़ानी है पांच तरीकों से। नंबर एक, सबसे पहले आप शिव जी के ऊपर शुद्ध जल अर्पित करेंगे, शुद्ध जल से आप उनका अभिषेक करेंगे। उसके बाद काला तिल अर्पित करेंगे, काला तिल अर्पित करने के बाद फिर से शुद्ध जल अर्पित करना है, फिर सफेद तिल, और सफेद तिल के बाद फिर शुद्ध जल। तीन चीजें, काला तिल बताया, सफेद तिल बताया और जल चढ़ाया, ठीक है, तीन अलग अलग चीजें, लेकिन ये तीन बार तीन चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो पांच में आकर रुकेगा। सबसे पहले शुद्ध जल, फिर काला तिल, फिर शुद्ध जल, फिर सफेद तिल, फिर शुद्ध जल। उसके बाद शिव जी के पास एक शुद्ध घी का दिया अर्पित करें, दिया ऐसा अर्पित करें कि उस मंदिर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के तरफ उसके अग्नि अग्नि प्रज्वलित हो, जो ईशान कोण होगा उस मंदिर का। शिव जी का जलहरी हमेशा ऐसा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, उत्तर दिशा को दिखाता है। आपको थोड़ा सा ऐसा तिरछा करके वहां पर रखना है, जिससे यदि ये उत्तर है तो यह दिशा पूर्व चले जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईशान कोण में, जहां पर उत्तर और पूर्व जुड़ता है, उस तरफ उसकी अग्नि होगी। ठीक है, ऐसा आपको दिया जलाना है शिव जी के सामने में, लेकिन उस दिया का जो अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है उस दिया में, उसका जो फेस हो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। ठीक है, यह तीन मैं छोटे छोटे उपाय बताया हूं। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है, यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ इस कार्य को करेंगे, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, उसका परिणाम जरूर मिलेगा और सुखद परिणाम मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर आप सभी मुझे इजाजत दें, मैं अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नई विषय वस्तु के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। जय श्री राम।